हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। अब बात करते हैं SSBs के बारे में। तो रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कॉल लेटर आना शुरू हो गए हैं और उनके SSB डेट्स भी उनको पता चल गई हैं। अगर बात करें NDA, TS और FCAT की भी आपको SSB डेट्स अब तक मालूम हो चुकी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, राइट, जिनकी FCAT की SSB है। CDS और बाकी सारी SSBs की डेट्स भी सून अनाउंस हो जाएंगी। तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स में? तो बेसिकली जो सबसे बड़ा चेंज है जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में, वो है COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट। तो आप कैसे COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट ले सकते हो और क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है सर्टिफिकेट के लिए और कब तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जिनके SSB अभी नहीं आई है वो भी देखें, क्योंकि इन फ्यूचर उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता दूं कि दो टाइप के टेस्ट होते हैं। ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपसे SSB में ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि कैसे आपने COVID-19 का सर्टिफिकेट बनवाया और किस टाइप के टेस्ट होते हैं COVID-19 के। तो बेसिकली दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक आपका वायरल टेस्ट होता है और एक आपका एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो जो वायरल टेस्ट होता है वो बेसिकली जानने के लिए होता है कि प्रेजेंट में मुझे इन्फेक्शन है या नहीं है। एंड एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो आपके लिए होता है कि पास्ट में आपको इन्फेक्शन था कि नहीं था। तो आपको अभी SSB में कौन सा कराना है? SSB में आपको अपना वायरल टेस्ट कराना है, जिससे आपको पता चले कि प्रेजेंट में आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब आप ये टेस्ट कहाँ करा सकते हो, कैसे करा सकते हो, कि कैसे आपको COVID-19 टेस्ट की तरफ अप्रोच करना है और कैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा और एट लास्ट कैसे वो सर्टिफिकेट दिखता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो डाउट हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि इन टेस्ट को कहाँ पे कंडक्ट कराना है, ठीक है। तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स बना रखे हैं हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में। तो आप वहाँ पे जाके इन टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हो, या आप प्राइवेट लैब्स में भी जाके इन टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हो। जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट लैब्स आपके सिटी में अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल, SRL डायग्नोस्टिक करके एक लैब होती है जो बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करती है और ये COVID-19 टेस्ट भी कंडक्ट कर रही है। सिमिलरली साथ में ये आपको ये COVID-19 के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सिमिलरली एक और ऐप है जो मैं कहूँ कि डॉक्टर लाल पैथलैब करके है, और ये बहुत से छोटी छोटी सिटीज़ में और बड़ी से बड़ी सिटीज़ में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन इसका, ये वैलिड है, ICMR द्वारा भी सर्टिफिकेशन वैलिड है इस दोनों लैब्स का। तो आप यहाँ से टेस्ट करा सकते हो अपने, ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जब आप ये टेस्ट कंडक्ट कराने जाओगे, वेदर आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको कहाँ से टेस्ट कराना है, वेदर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो, वेदर आप वो टेस्ट सेंटर्स जो डिसाइड किए गए हैं ICMR द्वारा वहाँ जा रहे हो, या किसी प्राइवेट लैब में जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सैंपल टाइप आपसे लिया जाएगा। तो आपसे लिया जाएगा नेसल एंड थ्रोट स्वैब सैंपल टाइप। देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लाइक इंपॉर्टेंट हैं COVID-19 टेस्ट कराने के लिए, तो उसके पहले जानना ज़रूरी है। तो वो है प्रिस्क्रिप्शन फॉर COVID-19 टेस्ट फ्रॉम अ क्वालिफाइड फिजिशियन, यानी कि कोई MBBS MD डॉक्टर होगा आपकी लोकेशन में, आपके जान पहचान में। तो वो जब प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको ये टेस्ट करवाया जा सकता है, वरना नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट फोटो ID लगेगी आपकी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आप आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जा सकते हो। और ड्यूली फिल्ड स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म, ये एक फॉर्म होता है जो आपसे फिल कराया जाता है जब आप COVID-19 टेस्ट कराने जाते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ और क्या क्या कैसे फिल करना है ये भी बता देता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके का आपका ICMR स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म होता है फॉर COVID-19, और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे फिल कराई जाती है बिफोर COVID-19 टेस्टिंग, और ये मैंडेटरी होता है हर जगह, हर टेस्ट सेंटर में आपसे ये फॉर्म फिल कराया जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भरनी होती है। तो जो पहला सेक्शन होता है वो होता है इनिशिएशन डिटेल्स का। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं। तो आज की डेट तक, यानी कि 2 जुलाई तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज ही ICMR ने अलाउ किया है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आप COVID-19 टेस्टिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो किसी भी लैब में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके जहाँ पे COVID-19 की टेस्टिंग होती है, अब आप वहाँ से जाके टेस्टिंग करवा सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो हॉस्पिटल या टेस्ट सेंटर या लैब सेंटर है वो ICMR द्वारा अप्रूव्ड हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएंगी, पेशेंट का नाम, विलेज, एरिया, कहाँ से वो आता है, देन उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको भरनी है। तो ये है आपका स्पेसिमेन फॉर्म जिसकी मैंने बात करी थी। अब इसके बाद जब आपका ये सारी प्रोसीजर हो जाएगा, यानी कि जब आप अपना टेस्ट सेंटर डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा, देन आपसे ये फॉर्म भरा लिया जाएगा, इसके साथ आपका एक गवर्नमेंट ID भी लगेगा। और अभी तक जैसे कि जिन लोगों ने अभी कराया होगा या जो अभी एक आध हफ्ते में फ्यूचर में कराएंगे, उनसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है मांगा जाए, ठीक है। तो
तो ये सारी प्रोसेस जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं आपको एक डमी रिजल्ट दिखा देता हूँ, यानी कि एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको आपकी। तो देखिए आपके पास इस तरीके से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, हालांकि ये एक डमी रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नेम में मिस्टर डमी लिखा है। तो जब भी आप अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे तो उसमें आपके आपका नाम मेंशन रहेगा, आपकी एज मेंशन रहेगी, बिलिंग डेट मेंशन रहेगी, कब सैंपल कलेक्ट किया गया, कब सैंपल रिसीव किया गया, एंड देन कौन सी डेट को आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की जाएगी। उसके बाद आपका रिपोर्ट का स्टेटस लिखा रहेगा फाइनल, एंड देन लिखा रहेगा कि वेदर आप कोविड 19 पॉजिटिव हैं या नहीं है, ठीक है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपका नीचे एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि वेदर आप कोविड 19 पॉजिटिव हैं या नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लाइंट का नाम लिखा रहेगा, सेक्स एज मेंशन रहेगा, पीआईडी नंबर लिखा रहेगा, और यहाँ पे देखिए टेस्ट नेम के नीचे यहाँ पे सबसे नीचे 8 पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है ICMR रजिस्टर्ड नंबर फॉर कोविड 19 इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड नंबर भी मेंशन रहेगा कि आपने कोविड 19 टेस्टिंग करा ली है और ये जो है वो ICMR द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है। तो यही सर्टिफिकेट आप SSB में लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इसके। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।